हाय, दिस इज डॉक्टर रमन। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोविड का थर्ड वेव हम लोग कैसे रोक सकते हैं, पर ये हम सब मिलके ही रोक सकते हैं। एक इंसान इस चीज को नहीं कर सकता, और साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये थर्ड वेव आने से रुक सकता है। तो अब आप अपनी इम्यूनिटी के लिए क्या कर सकते हैं? आज मैं आपको इम्यूनिटी के लिए 5 से 6 चीज़ें बताऊंगी जो करना बहुत ज़रूरी है, और आप देखेंगे कि 1-2 महीने में ही आपकी इम्यूनिटी, आपकी स्ट्रेंथ, वो दोनों ही इंक्रीज होती है, दोनों बॉडी और माइंड। इम्यूनिटी सिर्फ बॉडी से रिलेटेड नहीं है, ये माइंड से रिलेटेड भी है। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि इम्यूनिटी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला, आप अपनी बॉडी में जो चीज़ डालते हैं, मतलब आप जो खाना खाते हैं, वो आप सिर्फ होम कुक्ड फूड खाइए। जो भी आपको घर पे पकाना है वो सिर्फ घर का पका हुआ खाइए, बाहर का बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल्स, नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो ले सकते हैं। हाई प्रोटीनेशियस डाइट, जितनी अच्छी डाइट हो, ऐसा नहीं सिर्फ प्रोटीन्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट कंटेंट, ये सब भी इक्वली रेशियो में होना चाहिए, वरना वो जो बैलेंस्ड मील होती है वो नहीं होती। तो सबसे पहले आप होम कुक्ड मील्स, मतलब सिर्फ घर का पका हुआ खाना खाइए। दूसरा, जो पानी पीते हैं, स्टे हाइड्रेटेड, मतलब पानी आपको बहुत अच्छी तरह से लेना है, कम से कम 3 लीटर दिन में। और ये आप कैसे पी सकते हैं? जैसे आप उठते हैं, उठने के बाद 1-2 ग्लास पानी पीजिए। हर बार जब भी आप खाना खाते हैं, खाने से पहले 1 ग्लास पानी पीजिए, खाने के बाद 1 ग्लास पानी पीजिए, और सोते वक्त 1 ग्लास पानी, और पूरे दिन अपने पास में एक बॉटल रखिए जिसमें पानी है, ताकि आपको पानी पीना आपको याद रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है, बॉडी का हाइड्रेशन। बॉडी के हाइड्रेशन से आपको वीकनेस नहीं आती है, जो इतनी एक्चुअली अभी इतनी गर्मी हो रही है, तो हाइड्रेटेड अगर आप रहेंगे तो आपका बॉडी और माइंड दोनों ही अच्छी तरह काम करेगा, और बॉडी और माइंड दोनों का ही रिलेशन होता है इम्यूनिटी से। अब तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है तो सब लोग अपने घर पे हैं, तो एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने घर पे भी रह सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास छत है या बालकनी है तो फ्रेश एयर में जाके आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज इज असेंशियल, 30-40 मिनट्स सभी लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि एल्डरली के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या यंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या बच्चों के लिए, सभी के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 30-40 मिनट्स बाहर की फ्रेश एयर, चाहे बालकनी में हो चाहे छत पे हो, और सनशाइन, क्योंकि उससे हमें विटामिन डी मिलता है, तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के फंक्शन के लिए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो आपकी एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको 30-40 मिनट्स बोला है, 20-30 मिनट्स आप वॉकिंग कर सकते हैं, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग होती है, और 10 मिनट्स आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि वो होती है लंग्स के लिए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होता है? प्राणायाम, जिसको आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मतलब आप इनहेल और एक्सहेल बोलते हैं। अब वो आपको कैसे, मतलब आपको कैसे हेल्प करता है? जैसे आप इनहेल करते हैं, अब आपने अगर एक बार सांस लिया, गहरा सांस, तो उससे क्या हुआ, आपके जो फेफड़े हैं वो पूरी की पूरी तरह फूल गए, मतलब जो लंग्स के डीप पार्ट्स हैं, मतलब जो लंग के अंदरूनी पार्ट्स हैं, वो भी वर्क करते हैं अगर आप डीप ब्रेथ लेते हो, वर्क करते हैं और एयर जाती है उसमें। और जब आप एक्सहेल करते हैं तो भी आप उसी ड्यूरेशन से, या मतलब जैसे आपने 15 सेकेंड लिए हैं इनहेल करने में, तो आप सांस भी निकालेंगे 15 सेकेंड में। ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये आप 20 बार कीजिए, कम से कम 10 मिनट पूरे दिन में कीजिए। इससे आपकी जो लंग की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, लंग की इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, पूरे बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, और इससे ब्रेन पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है। तो बॉडी और ब्रेन दोनों की इम्यूनिटी, मतलब बॉडी के साथ अगर ब्रेन हेल्दी नहीं है,
तो इम्यूनिटी वीक रह जाती है। अगर आप सिर्फ अपनी बॉडी का ध्यान रखें और ब्रेन का ध्यान ना रखें तब भी आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं रहती। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ योर बॉडी एंड ब्रेन। तो ये एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़रूरी हैं। ये एक्सरसाइज आपको सुबह सुबह पानी पी के खाली पेट करनी होती है, खाने के बाद नहीं करनी होती। अगर आपने खाना खा लिया है तो उसके 3 घंटे बाद ही ये आपको करना है। उसके बाद आप कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे जिंक ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं दिन में, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब ये हो गया खाने की और एक्सरसाइज की बात। अब सोना बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोना 7 से 8 घंटे आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर आपको एंग्जाइटी है या आपको कुछ आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ थॉट प्रोसेसेस हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये जो आप प्राणायाम है, जो इनहेल और एक्सहेल की एक्सरसाइज है, ये आप रात को भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे बॉडी और ब्रेन दोनों ही काम रहता है। आपकी थॉट्स इवेपोरेट हो जाती हैं, उस टाइम के लिए आपको बहुत अच्छी नींद भी आ जाती है। तो 7 to 8 hours आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है रेस्ट करना। ये भी आपकी इम्यूनिटी का एक पार्ट है। स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इम्यूनिटी, जो आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों को ही हेल्दी रखता है। अब उसके बाद क्या है, आप अपनी इम्यूनिटी के लिए और क्या कर सकते हैं? जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड है और आप घर में अकेले हैं या अपनी वाइफ के साथ हैं और आप दोनों ही हैं, बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, बाहर सेटल हो गए हैं, आपके पास और कोई नहीं है, तो आप दूसरे लोगों से कनेक्टेड रहिए। इससे पॉजिटिव इफेक्ट आता है आपके ब्रेन पे, और जितना आपकी हैप्पी थॉट्स होती हैं, पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, उतनी ही आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। तो आप कनेक्टेड कैसे रह सकते हैं? मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू फ़ोन कर सकते हैं, और कोई ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको अच्छी चीज़ें बताए या सिखाए, या कुछ एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है ब्रेन की पीस के लिए। और अगर आपका दिमाग शांत है तो बॉडी भी आपकी रेस्ट पे है, और आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपसे दूर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस माहौल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सबकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो और हम इस कोविड 3rd wave से बच जाएं। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।